बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर, जहां मैं हूं सचिन। तो गाली देना आजकल फैशन बन गया है, और गाली अगर किसी सांसद ने दी है, उस पर कार्रवाई की बात की जा रही है, तो उसका बदला क्या बड़ी गाली देकर के लिया जाएगा, यानी कि पीएम को गाली देकर के? कुछ ऐसा ही हुआ है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। पार्टी से राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते भी रहते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बनाए रखने के साथ जरूरी होता है कि उस पद के साथ साथ उस पद की बात भी की जाए। लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी सदस्यता पहले गंवा चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेशक उनकी सांसदी बहाल हो गई हो, लेकिन पीएम के खिलाफ अपशब्द का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। बावजूद इसके कांग्रेस के नेताओं ने अब तक कोई सबक नहीं लिया है। अब हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उदयभान अपनी पार्टी के बाकी नेताओं से भी आगे निकल गए। उदयभान ने ऐसी बदजुबानी की है कि हम आपको प्रधानमंत्री के लिए किए गए उन शब्दों को सुनवा भी नहीं सकते। उदयभान की बाइट पे हमने गाली वाले उस हिस्से को बीप कर दिया है, ये सुनिए। ठीक है, राज कर रहा नीचे राज कर रहा है। उसने जीते जी अपने पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का जवान, तो ये इस तरह का हो रहा है। बात ठीक है, राज कर रहा नीचे राज कर रहा है। उसने जीते जी अपने पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का जवान, तो ये इस तरह का हो रहा है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव ने पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि राहुल गांधी की क्या ये मोहब्बत की दुकान। हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्द कहे। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के हरियाणा प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव है। बिप्लब जी, पहला रिएक्शन, जिस प्रकार से चौधरी उदय भान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सिर्फ अभद्र टिप्पणी ही नहीं की है बल्कि मजाक भी बनाया। देखिए, ये कांग्रेस के विकृत मानसिकता का परिचायक है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है देश के। उस पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से ऐसे अपशब्द निकलेगा, ये बहुत ही दुर्भाग्यजन्य है। और इससे दुर्भाग्य ये है, उस पार्टी के आलाकमान अब तक सोए हुए है। क्या आपको लगता है सोए हुए है? सब लोग, सबको सब कुछ जानकारी है, क्योंकि वो लोग ट्वीट में जिंदा है। तो स्वाभाविक तौर पे सोशल मीडिया में सब लोग आजकल हम लोग एक्टिव है। जानकारी होने के बावजूद भी जो शब्द उन्होंने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को संबोधित करके बोला हुआ है, ये शब्द कोई सिविलाइज समाज में नहीं कह सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सोनिया गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से इससे स्पष्टीकरण चाहता हूं। देश जानना चाहते हैं, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, जो शब्द का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी को ऊपर किया है, मुख्यमंत्री जी को ऊपर किया है, इसका स्पष्टीकरण आपके माध्यम से आनी चाहिए। और इतने देर तक क्यों नहीं आया, उसका भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जो अपोजिशन के जो पार्टीज के जो लीडर है, उसको भी मैं कहता हूँ, आप लोग भी कहाँ हैं, अब तक क्यों नहीं बयान आ रहे आप लोगों को? देश के जनता ये देख रही है। और अगले जो समय में देश की जनता निश्चित इसका जवाब देगी। जनताओं के पास जवाब देने का समय है, जनता जानती है। कोई समझता है, आज उन्होंने ऐसा बोला, हम लोग को कुछ नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएगा, भूल जाएंगे। जनता भूलने वाले नहीं है, आप लोग भूल जाते हैं, जनता भूलने वाले नहीं है। 2014 में 19 में ये प्रमाणित किया है और 24 में भी प्रमाणित करेंगे। और मैं आपके माध्यम से दोबारा ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ एक प्राइवेट मीडिया चैनल में मैंने सुना, उन्होंने एक इसका खंडन किया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो लो ये तो हमारे गाँव के बयान है, ऐसा चलते रहते हैं। मैं तो कहूँगा, अरे आपने जो पाप किया है उसके ऊपर गांव वालों को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। हरियाणा के गांव ऐसा नहीं है, हरियाणा के गांव। लेकिन इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत करने में उन्होंने कहा है कि हमने कुछ गलत नहीं कहा और माफ़ी नहीं मांगी। देखिए, उन्होंने गलत नहीं कहा, ये शब्द यूज़ करने के बाद गलत नहीं कहा, तो ये कांग्रेस के संस्कार है। और वो माफ़ी नहीं मांगेंगे,
वो भी कांग्रेस का संस्कार है। उनके एक बड़े नेता का, राजपूत का क्या एक बयान आया था आपने देखा होगा, उन्होंने भी माफ़ी नहीं मांगे और उसके बदले में क्या क्या हुआ वो भी आपने देखे हैं। तो इसलिए कांग्रेस का ये संस्कार है। इसी विषय में मैं स्पष्टीकरण माननीय सोनिया गांधी जी से चाहता हूँ, जो आज दोबारा आपने बयान दिया प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनके कांग्रेस के, तो उसी बयान का सोनिया गांधी जी किस तरीके से समर्थन करता है ये देश के जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानना चाहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब तक आप सामने आइए, स्पष्टता के साथ बोलिए जब हम उनके साथ सहमत हैं और नहीं सहमत है, तो इसके बारे में भी देश के जनता को जानने का अधिकार है। और क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, देश के प्रधानमंत्री ये नरेंद्र भाई मोदी आज एक इंटरनेशनल फिगर है, पूरे देश को एक नया पहचान दिया है, भारत के सम्मान को एक ऊंचाई में लेके गए हैं। ऐसा व्यक्तित्व के बारे में जब ऐसा शब्द यूज़ किया जाता है तो भारत के लोगों के बारे में इंटरनेशनल लेवल में एक नकारात्मक विषय आता है। तो इसलिए ये जो भाषा उन्होंने प्रयोग किया, जो शब्द प्रयोग किया, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसी भाषा किसी भी दल के नेताओं के बारे में नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भारत एक गणतांत्रिक देश है और डेमोक्रेटिक तरीके से हम राजनीति करते हैं। व्यक्तिगत संबंध सबका सुंदर होना चाहिए, यही डेमोक्रेसी का सुंदरता है। तो हमारे साथ हैं रमन मलिक जो कि बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ आलोक मेहता होंगे एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज़ के, और साथ ही साथ अरविंद मोहन साहब भी जुड़ेंगे। ज्ञानेंद्र जी, मतलब ठीक है, मैं सबसे पहले शुरुआत वहीं से करता हूं। मुझे लगता है कि जहां पर ये लाइन जो है कल तक खींची गई थी वो है रमेश भदूरी, उनसे जवाब मांगा गया, बीजेपी ने जवाब मांगा, कारण बताओ नोटिस दिया। मैं तो आगे बढ़ के कहता हूँ, मैं अपने सवाल में ये कह रहा हूँ, ये मेरी राय है, मैं तो आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए थी, अब तक क्यों नहीं हुई है। लेकिन राहुल गांधी मिलने भी गए थे इसलिए क्योंकि गलत किया था राहुल, रमेश भदूरी का जो बयान था बिल्कुल गलत था। लेकिन उदय भान ने वही सब सेम चीज़ की पीएम के लिए, इतनी अभद्र भाषा और एकदम चुप्पी, कोई ट्वीट नहीं सर, कोई डिनायल नहीं। नहीं देखिए, कोई भी अगर असंसदीय या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है राजनीतिक और सामाजिक जीवन में तो उसकी पूरी तरह से निंदा और भर्त्सना होनी चाहिए, क्योंकि अमर्यादित अशोभनीय भाषा का सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और खास करके एक लोकतांत्रिक देश में तो ऐसी भाषा, ऐसी शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ही निंदनीय और शर्मनाक है। और इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन कल जो पार्लियामेंट में हुआ वो तो सही मायने में एक ऐसी घटना है जिसने देश के जनमानस को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले लोगों को बिल्कुल हिलाकर रख दिया गया। और मैं सिर्फ रमेश भदूरी जी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनका एक इतिहास रहा है कि वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके पीछे बैठे दो पढ़े लिखे सो कॉल्ड सभ्य पार्लियामेंटेरियन, एक डॉक्टर साहब और एक वकील साहब बैठे थे, और जिस तरह से उनकी अमर्यादित भाषा पे वो हंस रहे थे, मेरे को पता नहीं आपने ये, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं आपने ये वीडियो देखा है कि नहीं देखा, उदय भान जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ये भी अपने आप में सर आपका कितना बड़ा आधिकारिक चेहरा है, अभी तक एक ट्वीट नहीं आया सर। उनके पीछे भी दो शख्स खड़े हैं, वो भी अच्छे खासे जो है रेपुटेड लग रहे हैं, और वो ठहाके लगा के हंस रहे हैं। मतलब वो जिस तरीके के जो शब्द का इस्तेमाल किया ना सर, वो मैं बोल नहीं सकता, यहाँ पे आप भी नहीं बोल सकते होंगे, आम भाषा में किसी आम या फिर अपने घर वालों के लिए या ऐसे चीज़ों के लिए प्रयोग करना तो छोड़िए। वो जो दो लोग पीछे खड़े वो भी ठाके लगा के हंस रहे हैं, तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ जी। नहीं नहीं देखिए, मैंने पहले ही बताया ये बात, देखिए मैं यहाँ पे कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक नागरिक होने के साथ साथ, एक अधिवक्ता होने के साथ साथ ये बात मैं कह रहा हूँ और मैं हमेशा कहूंगा कि किसी के भी द्वारा किसी के खिलाफ अमर्यादित और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और खास करके जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप कोई काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए।
तो अगर हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, या मैं कहूंगा किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो इसको देखेगी, इसका संज्ञान लेगी और अगर जरूरत पड़ेगा तो इसकी भर्त्सना भी करेगी और जो कार्रवाई है वो भी होनी चाहिए। पर अब आप देखिए जो कल हुआ और उसके रिस्पॉन्स में जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष जी ने उनको बुलाकर पुचका कर, जैसे किसी स्कूली बच्चे को कहा जाता है कि तुमने गलती की है, कृपया अगली बार ये गलती मत करना वरना मैं तुम्हें दंड दूंगा, और भारतीय जनता पार्टी ने एक सिंपल सा सो कॉज डाकल अपना पल्ला झाड़ लिया, ये बहुत ही शर्मनाक और चिंतनीय विषय है कि कोई सांसद अगर संसद के अंदर, और खास करके मुझे लगता है ये पांचवा दिन था जब राजनीतिक कार्रवाई हो रही थी संसद के अंदर, लोकसभा में जब हमने सुना कि नई लोकसभा एक नए भारत का, एक नई संस्कृति का प्रतीक बनकर उभरेगा, उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया और खास करके उसके खिलाफ अब तक जो कार्रवाई हुई है, क्या कोई भी इस देश का नागरिक जो लोग, मैं जवाब ले लेता हूँ, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, मतलब इतने भर से काफी है क्या? रमन मलिक, किसी की अध्यक्षता, अब तक तो सदस्यता चली गई होती, अब तक तो निलंबन हो गया होता, हटा दिया होता। और यही शाम से कांग्रेस का तर्क है, जब मैं उनको कह रहा हूँ कि भैया उदय भान पीएम को सरेआम गाली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि निंदा कर दो, हालांकि पार्टी की तरफ से निंदा नहीं की गई है और ये संख्या होगी 99 पीएम को गाली देने की, संख्या होगी 99। वो यही कह रहे हैं कि रमेश भिदुड़ ने क्या किया, रमेश भिदुड़ ने, इसका मतलब ये है कि भिदुड़ी संसद में गाली देंगे, बाहर खड़े होकर इनका कोई नेता पीएम को गाली दे देगा और ये संख्या बढ़ती जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो उतना ही कर देते कि शो कॉज नोटिस इशू कर देते, आज तक 98 बारी नहीं करा, कम से कम ये इंडी गठबंधन, गवंडिया गठबंधन जो है यही काम कर देता इतना। लेकिन खैर, इनकी फितरत है। देखिए, जिन शब्दावली का संबोधन करके कांग्रेस जो है उदय भान जी को सपोर्ट कर रही है, मैं उतना ही पूछूंगा कि अगर प्रधानमंत्री जी का जीवन साथी नहीं है उनके साथ और उनको आप एक संज्ञा दे रहे हैं तो सोनिया जी का भी नहीं है, अगर राहुल जी ने शादी नहीं करी है और मनोहर जी को आप बोलते हो शादी ना करने पे एक और संज्ञा देते हो तो राहुल जी ने भी नहीं करी है, तो उदय भान अगर अपने ही घर की औलाद है तो वो इतना बोल दे, इतना ही बोल दे ना अपने इन दोनों नेताओं के लिए, मान जाऊंगा नहीं बोलेंगे। मैं आपको फैक्ट बताता हूं क्या है, गंगूबाई काठियावाड़ी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी, मोहब्बत की दुकान में बैठने वालों की शब्दावली जो है वो बहुत सभ्य नहीं होती है, शायद वही एक सिस्टम इनके अंदर पैदा हो गया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक अपरिपक्व व्यक्ति को एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश का अध्यक्ष बनाते हैं तो उसका खामियाजा उस राजनीतिक दल को और उस प्रदेश की राजनीति को भुगतना पड़ता है। दूसरी चीज सर, उदय भान जी ठहाके मार के हंस के बोल रहे हैं, भिदुड़ी का जो प्रकरण हुआ उसको शोकॉज नोटिस दिया गया कि सबने, बड़े बड़े नेताओं ने मुजम्मत करी उसकी, किसी ने उनका समर्थन करने आगे नहीं आए, लेकिन यहां तो पूरी कांग्रेस उतर गई है उनका सपोर्ट करने। पहले मोनू मानेसर, नू के समय मोनू मानेसर के पीछे छुप रहे थे, अब रमेश भिदुड़ी के पीछे छुप रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप अपनी गलतियों को कब समझेंगे, कब बताएंगे? देखिए, देश की जनता जिन्होंने बीजेपी को वोट करा उनको आपके नेता रणदीप सुरजेवाला राक्षस बताते हैं। वो राक्षस नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण है, और 100 गालियों के बाद शिशुपाल का जो हाल करा था वही हाल ये जनता इस घमंडिया गठबंधन शिशुपाल का करेगी। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, जवाब दीजिए, मतलब जितनी बार आप पीएम को या आपके नेता गाली देते हैं उतनी बार हमने देखा है कि पीएम की जीत का मार्जिन और बढ़ जाता है, उतनी बार उनके वोटों की संख्या और बढ़ जाती है। वो हर रैली में अपनी गालियां गिनवा देते हैं।
और आप जो है कांग्रेस फिर भी बाज नहीं आती, ये बैकस्ट्रोक हो जाता है। देखिए आप ये सारा ब्लेम बिल्कुल कांग्रेस पे डालकर बहुत ही मुझे लगता है कि अन्याय कर रहे हैं। देखिए ये अभी कह रहे थे, मैंने सुना कि कांग्रेस के सभी नेता उदय भान जी के पक्ष में बोल रहे हैं। मुझे किसी एक नेता, बड़े नेता का बयान दिखाइए जिन्होंने उदय भान जी के पक्ष में बोला। सर चुप रहना, चुप रहना भी तो पार्टनर इन क्राइम होता है ना सर। प्लीज सुन लीजिए उदय सर, मुझे एक बात बताइए सर। प्लीज सर, मेरे सामने मर्डर हो रहा है और मैंने देख रहा हूँ और लेकिन मैं चुप रह गया, कुछ कहा ही नहीं, तो मैं भी तो पार्टनर इन क्राइम हुआ ना। एक एक आधिकारिक प्रवक्ता बोल रहा है साहब, पहले जाके अपने प्रदेश के अपने आप बोलने देंगे आप लोगों को, तो सुन लीजिए आप, मुझे बोलने दीजिए। हाँ मुझे आप बोलने दीजिए, वही प्रवक्ता 10 मिनट से बोल रहे थे, मुझे बोलने दीजिए। देखिए अभी आज उन्होंने बोला है, ये एक बहुत ही ये जो एक नैरेटिव हमेशा क्रिएट किया जाता है कि एक इतना बड़ा अपराध एक तरह से होता है संसद के अंदर। हमारा संविधान ये कहता है कि आप किसी भी तरह की ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो देश के अंदर विभिन्न धर्मों के बीच में विभेद पैदा करे, नफरत पैदा करे। और ये एक कोई अपने आप में अकेली घटना नहीं है, भाजपा का इतिहास रहा है कि जब जब आप जितनी गाली एक समाज विशेष के वर्ग को देंगे, एक धार्मिक विशेष वर्ग को देंगे, उतना ही आपका क्वालिफाइंग मार्क्स राजनीति में बढ़ता जाएगा। जब एक राज्य मंत्री गोली मारो कहता है तो उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। एक दूसरा मंत्री जो हरामजादे कहता है, कोर्ट में जाकर सरेंडर करता है, उसको जमानत दी जाती है, और जमानत देते समय कोर्ट में वो ये प्रार्थना करता है कि मैं आज के आगे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसको प्रमोट करके फिर कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। जहां पर केवल शमशान और कब्रिस्तान की बात की जाती है, जहां पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़े और टोपी देखकर आप पहचान सकते हैं, जहां पर विरोध का बात उठाने वालों को पाकिस्तान जाने को कहा जाता है, ये एक आइसोलेटेड घटना। और एक जो ये प्रक्रियात्मक एक ये है कि आप एक संगठित रूप से, विचारात्मक रूप से, एक स्ट्रेटजी के रूप से एक समुदाय विशेष को गालियां दो, उनको बेइज्जत करो, उनके बारे में अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल करो, और आपके खिलाफ कार्रवाई होने की बजाय आपको, ठीक है सर, आप कल से भी कह रहे हैं कि आपको सम्मानित किया जाएगा, कि रमेश भदौरी को भी जो है बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ठीक है, आपने भी जो है आपने इनके तमाम बताए, इनको भी माफी मांगनी पड़ी सर, लेकिन लेकिन ये कंपैरिजन, सिर्फ एक कंपैरिजन से हम कभी ऊपर उठेंगे क्या? हम कंपैरिजन से बाहर निकल सकते हैं सर? जब आप भी एक संसदीय शख्स हैं, यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, हम जो भाषा ड्राइंग रूम में नहीं यूज कर सकते, संसद में तो दूर के छोड़िए, जब हम ड्राइंग रूम में अपने बच्चों के साथ, अपने के साथ, साथियों के साथ, दोस्तों के साथ नहीं यूज कर सकते, वो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम वैसे कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म में, वो भी एक बड़े पद पे होने के नाते, रमन मलिक बैठे देखिए डिबेट कर रहे हैं, कोई ऐसा शब्द कहीं नहीं आता, तो कम से कम हम इन चीजों को तो हम एक्सेप्ट कर ही सकते हैं ना, भला किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। मैं वापस आऊंगा, कुछ और पॉलिटिकल बाइट्स देखते हैं, फिर उसके बाद अरविंद सर के पास ये कमेंट लूंगा। उदय भान जी का जो वीडियो इस समय पब्लिक डोमेन में आया है, उसे देखकर हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में बहुत वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इट इज क्रिएटिंग पेन एंड एंग्विश इन द हार्ट ऑफ नॉट ओनली बीजेपी बट ऑल्सो इन द हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी कॉमन मैन। एक जन सामान्य के मन में भी वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, निचलेपन की हद है, जो आज इस तरह का वक्तव्य आया है। इससे पूर्व भी उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने 9.5 वर्ष तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, जिन्होंने अपने कर्मठता से, निष्ठा से, लगन से पूरे देश को यह संदेश दिया है कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। उस प्रधानमंत्री के विषय में विगत लंबे समय से कांग्रेस ने क्या क्या नहीं बोला है, उनके स्वर्गीय पिताजी के विषय में, उनकी स्वर्गीय माताजी के विषय में, उनके व्यवसाय के विषय में, उनकी जाति के विषय में, टुकड़े टुकड़े करने से लेके मौत के प्रकार से लेके, परंतु आज जिस सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया गया है वह कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष के द्वारा किया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है देश के सर्वोच्च व्यक्ति के लिए, जो सबसे बड़े पद पे बैठे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए, और राज्य के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए।
सार्वजनिक जीवन में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी जितनी निंदा होए वो कम है। और मैं मानता हूं कि ये एक तरीके से मानसिकता और सोच दर्शाती है कांग्रेस पार्टी की और उनके अध्यक्ष की कि किस तरीके से उन्होंने ये बात कही, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए या प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। मुझे नहीं ऐसा याद आता कि कब ऐसा हुआ है कि ऑपोजिशन का स्तर इतना गिर गया है, और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी का और प्रदेश अध्यक्ष का, कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, इससे पूरा देश आहत हुआ है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारत की 140 करोड़ की आबादी के अंदर 65% लगभग 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं, हमारे राजनेता क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे युवाओं को, हमारी युवा पीढ़ी को, कि किस तरह की भाषा और शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं उन सम्मानीय पदों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरीके से बोलना, ये बहुत ही अशोभनीय है और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसमें सब लोगों को किसी भी पार्टी से ऊपर उठकर निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है। वहीं पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के खिलाफ विवादित बयान देने वाले हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान से हमारे सहयोगी ने खास बात की, सुनिए जरा। कल पार्लियामेंट में जिस तरह से शब्दों को लेकर जो है बवाल मचा, उसके बाद आज हरियाणा में भी एक बयान जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बयान यमुनानगर में दिया गया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से। ऐसे में इस पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो तलख रुख अपनाए हुए है। मेरे साथ खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान यहां पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, एक कल जिस तरह से पार्लियामेंट में हुआ, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई कि ये जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आपके बयान को भी अब उसी तरह से लिया जा रहा है कि आपने भी मर्यादा का कहीं भी जो है पालन नहीं किया और आपने भी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी सोच विचार नहीं। आप बताइए कौन सा मैंने अमर्यादित शब्द कहा है, कौन सा है जो गाली है, कौन सा है जो इस तरह से जो उनके जो सांसद सदस्य है पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं। किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं वो हमें भाषा का मर्यादा सिखाएंगे। हमने बताइए कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है, कौन सी गाली दी है, क्या भाषा हमने इस्तेमाल की है। राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है, खुद आपके नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इनसे। लेकिन आप आज जिस तरह से बोले, प्रधानमंत्री सीएम तमाम लोगों के बारे में आपने जो है खुलकर व्यक्तिगत बोला, क्या कह दिया। अगर कोई बात सच्चाई की है तो उसमें आप ये बताओ ना कि आपने ये शब्द गलत कहा। हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, हम अपना अपनी मर्यादा समझते हैं, हम अपना मर्यादा में रह करके ही अपने बात करते हैं। कोई हम अगर कोई गलत बयानी कोई होगी जो हमें लगेगा कि हमसे ये गलत बयानी हुई है तो उसके लिए हम एक्सक्यूज मांग लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन कोई बात हुई नहीं, कोई कहा नहीं, क्या तिल का ताड़ बना रखा, तो क्या बताइए क्या चीज़ है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अब किसी के व्यक्ति के लिए ये कहना कि पत्नी को छोड़ दिया, मार दिया, और दूसरे जो है वो अविवाहित घूम रहे हैं। क्या हंसी मजाक में कोई बात हो भी जाए उसका, जिसको वो बना दिया तिल का ताड़, क्या उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ रखा? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, क्या उस पत्नी के साथ उनके साथ में इन्होंने क्या अन्याय नहीं किया? क्या अगर ये कहना कि भाई कि अपनी पत्नी को छोड़ रखा है और दूसरा जो ना हमारा मुख्यमंत्री तो शादीशुदा भी नहीं है, हमारी देशी भाषा में, गाँव की भाषा में, हमारे हरियाणा में उसमें चलता है। तो वो एक हंसी मजाक में ट्विस्ट में वो बात कहा गया, उसमें भी कोई गाली नहीं थी, कोई दुर्भावना नहीं थी किसी तरह की, जैसे कि आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो बात निकल गई मुझसे, तो उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो इतनी बात हो कि जिसका तो बतंग बना दिया।
वहीं पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बदजुबानी की या परिपाटी काफी समय से चल रही। कांग्रेस नेताओं की असभ्य और अभद्र भाषा के बारे में पीएम मोदी ने टिप्पणी की थी, सुनिए। जो देश के लिए काम करता है उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। अरविंद सर हमारे साथ मौजूद हैं, रमन जी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ ज्ञानेंद्र हैं। अरविंद जी आपने सुना, अब मैंने क्योंकि बीच में इसलिए रोका, मैंने कहा उदय भान का रिएक्शन दोबारा सुना दूं, हो सकता है कि थोड़ा बैकलैश हुआ हो, लेकिन वो तो अपनी गाली और अपने उन शब्दों को रिपीट ही कर रहे हैं, कह रहे कि मजाक में कह दिया होगा, मतलब खुद कहें तो रासलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला वाला हिसाब। और शाम से मैं ये डिबेट कर रहा हूँ, कांग्रेस के नेता भी जो है तमाम गालियाँ लेकर के बैठते हैं, उसने कहा राम ज्यादा, ये ज्यादा, उसके बाद ये वो फलाना, लेकिन अपनी गाली के ऊपर किसी तरीके का जो है वो जिसे कहते हैं अपराध बोध नहीं है, और वो भी सीधा पीएम को अटैक और उसके बाद चुप्पी नहीं। लेकिन ऐसी गालियों का जवाब देने में नरेंद्र मोदी और खट्टर जी कोई कमजोर नहीं है, मैं कहूँगा। तो पॉलिटिक्स में भाषा गिरी है और बदजुबानी हुई है और ये भी उसी का एक उदाहरण है, लेकिन वो लड़ाई एक डिफरेंट है और उसकी चिंता हमको करनी चाहिए और हम करते भी हैं। लेकिन कल जो पार्लियामेंट में हुआ है वो एक अलग मसला है। बीजेपी का आज जो रिएक्शन आ रहा है इस बयान पे, या कांग्रेस ने एक बहाना दे दिया उनको, ये असल में कल से जुड़ा हुआ है और कल जितनी असल में बात हुई है वो काफ़ी सीरियस मसला है। वो सिर्फ ये भाषा और बदजुबानी और राजनीतिक लड़ाई का मसला नहीं है, वो हेट स्पीच है शुद्ध रूप से। और उस हेट स्पीच को लेके बीजेपी और पार्लियामेंट के अंदर उनके नेता और तब जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो, राजनाथ जी ने सुना तो उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन बाकी पार्टी की तरफ से जो रिएक्शन आया है वो कल के अपराध के लिए बहुत छोटा है। वो आज बीजेपी को एक बहाना मिल रहा है उस अपराध को छुपाने का। उसके अलावा जो बीजेपी की प्रतिक्रिया आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री कैसे हैं और कितने महान हैं और कितनी सेवा करते हैं, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं और वो एक लड़ाई अलग चलती है और चलती रहेगी। लेकिन कल जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ और कई दफे बाहर भी हमने देखा है कि गोली मारो सालों को लेके, वो हेट क्राइम है और वो एक कम्युनिटी को एक दंगा भड़काने के लिए, नरसंहार करने के लिए उकसा रहा है और वो चीज़ें होने लगी हमारे समाज में। सिर्फ ये नहीं है कि बोल के चुप रहे, ऐसी बात अगर सभ्य समाजों में, पार्लियामेंट के अंदर तो छोड़ दीजिए, कोई रोड पर भी बोल दे बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो भी जेल में होता अभी तक बिल्कुल, और बिल्कुल, उसको जमानत नहीं मिलती। ये अपना मुल्क है और ये बीजेपी के नेताओं का ज्ञान है या उनका दिमाग चढ़ा हुआ है कि उनको लग रहा है कि उदय भान का अपराध उसी श्रेणी का है। ये उस श्रेणी का अपराध नहीं था। उदय भान का शोर मचा के आप उसको छुपा नहीं सकते। असली बात यह है कि उदय भान जो बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन उस गलती से आप जो रमेश भदौड़ी ने कल किया और डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जो कानून के अपने को एक्सपर्ट मानते हैं वो, और सदन में जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो, उन सब ने जो कुछ किया उस मसले पे, वो अपराध छुपता नहीं है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये सिलसिला रुकेगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं रुकेगा कि कल रमेश भदौड़ी ने कहा और आज उदय भान बोल देगा, बिल्कुल, और कल कोई और बोल देगा, ठीक है, रमन मलिक जवाब नहीं, कहीं कार्रवाई करनी पड़ेगी। रमन मलिक जवाब दीजिए, आप अच्छे से जानते हैं, आप इतने परिपक्व नेता हैं, ये ओपनली किसी ने कहा होता? सर आपने मैंने कहा होता ना, पब्लिक किसी मन से कहा होता? सर आप और मैं कहीं ना कहीं जेल में होते, हेट स्पीच है ये सर? बिल्कुल नहीं सर, मैं आज भी आपके चैनल पे बड़े स्पष्ट रूप से बोल सकता हूं कि इस देश के अंदर 140 करोड़ लोगों में से
139 करोड़ लोग जरूर ये बोल देंगे कि जो देश का गद्दार है उसको गोली मार देनी चाहिए। 139 आउट ऑफ 140 करोड़ ये जरूर बोलेंगे। देश पे गद्दारी वो समुदाय विशेष को लेकर के सर काटने करने की बात सर, मैं गद्दार का कोई धर्म थोड़ी होता है, आतंकवादी और गद्दार का कौन सा धर्म? अरे सर वो किसको कह रहे थे, दानिश अली को कल कह रहे थे? गद्दार कोई भी हो सर, आप दानिश अली का रमेश भदूरी कल किसको, रमेश भदूरी संसद, रमेश भदूरी संसद में किसको, रमेश भदूरी संसद में किसको धमका रहे थे? दानिश अली को। तानाशाही सोच के, फासिस्ट सोच के लोग हैं। अरे जो ये बात नहीं है, आप अपने बारे में देखिए, आपके बारे में नहीं पूछा था। अगर आप बोलने लगे और सभी कानूनी प्रक्रियाओं को एक नहीं बोल पाएंगे अगर मैं बोलने लगे, गद्दारों को गोली मारने का अधिकार मिला हुआ है। अरे गद्दारों को गोली तो पड़ेगी पड़ेगी, सम्मानित राष्ट्रीय चैनल पर आप ये बात कह रहे हैं, ये कितनी दुखद बात है, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आपको दुख चिंताजनक बात मना लो कि एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर ये बात बोली जा रही है कि इस देश में कानून की प्रक्रिया का कोई सम्मान नहीं है, इसके अंदर किसी भी गद्दार और टेररिस्ट का धर्म नहीं होता। जो देश का गद्दार है और अभी गोली मारने नैतिकता सिखा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, ज्ञानेंद्र अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमन मलिक एक सेकंड रुकिए। अच्छा ठीक है, रमन मलिक एक सेकंड रुकिए, ज्ञानेंद्र एक सेकंड रुकिएगा। आप अभी उदय भान को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा है, और फिर अभी इसी चैनल पे ये बात कही जा रही है कि 139 करोड़ और 140 करोड़ में कितने गद्दार हैं और क्या हैं। दानिश अली का नाम लेके कहा गया, उनकी कम्युनिटी को कहा गया और उसी का मजा लिया गया बड़े बीजेपी के नेताओं द्वारा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, उसी का मजा आप अभी भी ले रहे हैं। यहीं पे रिजाइन कर दूंगा सार्वजनिक जीवन से, या आप कर देना। मैं इंडिया न्यूज़ को सार्वजनिक जीवन का कोई वो ठेका नहीं है भाई साहब, खुली चुनौती दे रहा हूं 40 साल। अगर आप हमको ये नाटक करने की जरूरत नहीं है सर, ये सही लगता है। सर ये हमारे कंसल्टिंग एडिटर है, ये हमारे कंसल्टिंग एडिटर है अरविंद मोहन जी, 40 साल से कम से कम 40-50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं सर। ये तो सारी दुनिया ने देखा सर, रमेश भदूरी ने क्या कहा। मनोज जी और मैं ये कहूंगा कि इनको अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए। अरे मैं नहीं लेता, आप केस कर दो, मैं करूंगा। सार्वजनिक जीवन से कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। गलत चीज मत बोलिए, मैंने बिल्कुल ये बोला ना आतंकवादी का और ना देश के गद्दार का कोई धर्म होता है, बोला या नहीं बोला? तो आपके नहीं, नहीं दानिश अली का धर्म है कि नहीं है ये आप बताइए ना। और आपने बिल्कुल नहीं बोला, तो फिर अपना इलाज कराए। एक सेकंड, आपने बिल्कुल नहीं बोला। वो ये कह रहे हैं कि दानिश अली का धर्म होता है कि नहीं होता, गोली मारेंगे, ये आपने बोला। ये कानूनी और संवैधानिक उल्लंघन है, आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया। अगर मैंने अगर हम उसको गोली मारेंगे, आप रिपीट करके देख लो, आप ये निर्णय लेंगे कि कौन गद्दार है और आप ये निर्णय लेंगे कि कानून को हाथ में लेकर मैं उनको गोली मारूंगा, इसी मानसिकता का। एक सेकंड, अब ये ज्ञानेंद्र बोल रहे हैं। ज्ञानेंद्र एक सेकंड, मुझे लगता है कि नहीं ठीक है। एक बार जो है अरविंद जी को जो कह रहे थे, जरा हम इस चीज को क्लियर कर। अगर मैंने गलत बोला हो तो मैं माफी मांगूंगा और सार्वजनिक जीवन से त्याग पत्र दे दूंगा। वो ये नहीं कह रहे कि गलत बोला, अरविंद जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सार्वजनिक जीवन से आप रहिए, रह के अगर ये करना है तो उससे बेहतर है कि बाहर हो जाइए। और हमको कोई हमको सार्वजनिक जीवन का मतलब नहीं, हम 40 साल से यही कर रहे हैं। हमको जो गलत लगता है वो गलत बोलते हैं, सही लगता है वो सही बोलेंगे। तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए, फिर आप पॉलिटिकल 40 साल तो हो गया भाई साहब अभी। और यही इनका कैरेक्टर है कि अगर आप इनकी गलतियों पे उंगली उठाएं तो ये दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, आप देश छोड़ दीजिए, आप पाकिस्तान चले जाइए, यही इनकी मानसिकता है। सर वो ये कह रहे हैं कि आपने गलत नहीं बोला सर, शायद आप पॉइंट मिस कर गए। ज्ञानेंद्र जी आपका पॉइंट ढूंढ, ज्ञानेंद्र जी आपके पास आऊंगा। नहीं ठीक है, मतलब इसमें पर्सनल थोड़ा है। रमन मलिक किसी ने पर्सनल नहीं कहा और किसी ने कहा भी नहीं कि आप गलत कह गए कि सार्वजनिक जीवन ये वो मेरा सिंपल नहीं ठीक है। मैंने जो कहा उसको तोड़ मरोड़ के अगर नहीं ठीक है, मैं एंकर कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने गलत नहीं कहा। नहीं मैं ये कह रहा हूं आपने गलत नहीं कहा, लेकिन फिर भी आप जब ये कहते हैं कि कोई चैलेंज कर दे कि ये किसने कहा उस दिन, तो भैया दानिश अली को कहा तो क्या दानिश अली का धर्म नहीं था? मैं ये कह रहा हूं। नहीं सर, मेरा सिंपल सा एक मिनट, ये दानिश अली वाली बात पे
मैंने बड़े स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे पहले भी बोला, हमारी पार्टी ने नोटिस भी इशू करा, हमारी पार्टी ने उनकी बचना भी करी, हमारी पार्टी ने किसी ने आके उनका समर्थन नहीं करा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इतना ही काम कांग्रेस ने या ये गमंडिया गठबंधन ने या उनके चहेते पत्रकारों ने या उनके चहेते लोगों ने आके किसी चैनल पे करा? नहीं करा सर। दूसरी चीज, एक चीज और बताइए, देश का मतदाता जो है आपकी नजर में दोनों बराबर है? परिवार से होता है। मेरा एक ही सवाल है सर कि देश के मतदाता को जब राक्षस बोलता है सरनदीप सिंह सुरजेवाला, तब कौन किसकी गैरत मर जाती है बोलने के लिए कि वो गलत है? मतदाता को राक्षस बोलोगे वो ठीक है? इससे बड़ी गाली तो पार्लियामेंट में एमपी के लिए बोलना, एक एमपी द्वारा एमपी ने जो बोला वो स्पीकर और पार्टी का विषय है, वो देखेगी। स्पीकर भी उसको एक्सपंज कर रहा है, स्पीकर ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया, पार्टी भी एक्शन ले रही है। आप ये बताइए, सार्वजनिक जीवन में कोई नेता होता अब तक जेल हो जाती है, उनको आप राक्षस बोलते हैं सर, अब तक जेल हो जाती है। कहां जाते हैं सर? यही लकीर तो आपको खींचनी थी ना। आपका सांसद अगर हेट स्पीच कर रहा है और आपको उसके लिए जो है प्रपंच करना पड़ रहा है और बाकायदा जो है कारण बताओ नेता बनना, तो यहीं पे आप लकीर खींचते कि नहीं चाहिए ऐसा सांसद, बाहर निकालिए, सस्पेंड कीजिए। क्या करना क्या नहीं करना वो आप नहीं बताएंगे, हमने एक्शन लिया। अब आप ये बताइए, अपराध के लिए कुछ और सर्टिफिकेट ले आना पड़ेगा? नहीं नहीं, बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। नहीं तो जब उदय स्टालिन बोलता है कि सनातन धर्मियों को मार दो, तब क्या होता है? तब भी मुंह में दही जमती है? जनेंद्र बोले, तब क्यों नहीं बोलते ये कांग्रेस वाले? आज जो ये अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सार्वजनिक मानसिकता है उसी को दर्शा रहा, और ये बहुत ही दुखद है। एक ही अमर्यादित भाषा और हेट स्पीच, इन दोनों में एक बहुत मूलभूत अंतर है। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पर वो एक मोरल पोजिशन है। सनातन धर्मियों को मारने का या सनातन को वाइप आउट करना, ये क्या हेट स्पीच है? नहीं है। लेकिन आप सर, अगर सनातनियों को मारना है स्पीच है या नहीं है? हिंदुओं को मारना है स्पीच है या नहीं है? 15 मिनट के लिए छोड़ दो, 100 करोड़ को साफ कर देंगे, ये अपराध माना जाता है वो? अरे 15 मिनट पुलिस हटा लो, 100 करोड़ को मार लोगे, ये स्पीच है या नहीं है? गंभीर मामला है। और इस मामले में अगर जो घरों की छत के ऊपर स्कूली बच्चे के द्वारा बड़ी गलती की तरह उसका सांसद को बुलाकर प्यार से समझाते हैं कि आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर आप अभी तो तुम चले जाओ, लेकिन अगली बार अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें जरूर दंड दूंगा। ये एक बहुत ही हास्यास्पद लेकिन बहुत ही गंभीर विषय है कि क्या तो कार्रवाई करिए ना संसद के अंदर की गई, सुप्रीम कोर्ट के बाहर की गई, सुप्रीम कोर्ट जाके नोटिस इशू कर देना, स्पीकर को बोलिए। अभी भाजपा के नेता ये बोल रहे हैं, स्पीकर बड़े सारे भाजपा के नेताओं ने आकर सुप्रीम कोर्ट आपके साथ क्या करता है, की निंदा की है। आप मुझे किसी एक नेता का बयान दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री जी जैसे ही हरियाणा में के अध्यक्ष ने बोला, तो प्रधानमंत्री जी ने वहां इलेक्शंस की रैली में और पब्लिक रैली में इस बात का पूरा वर्णन किया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी, अगर हम सब ये कहते हैं जो कि वो हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, स्टेट्समैन हैं, तो क्या ये उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि कल जो नई संसद में जो घटना हुई उसके बारे में वो एक बयान जारी करते, उसकी बहुत निंदा करते और एक्शन लेते? पार्टी के प्रेसिडेंट ने नोटिस इशू करा है, आपकी पार्टी के लीडर ने इशू करा नोटिस, और दो दिन हो गए प्रेसिडेंट ने इशू करा नोटिस, राजनाथ सिंह जी ने माफी भी मांगी। मैं वो कह रहे थे माफ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ रमन जी, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ रमन जी, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। राजनाथ सिंह जी को कितने कितने वेटरन, कितने पुराने पॉलिटिशियन, वो भी शर्मिंदा हुए ना, उनको उन्होंने माफी मांगी। पर क्या होता नहीं था? जब आप कहते हैं उदयनिधि स्टालिन वाला कि सनातन को गाली देना तो क्या ये हेट स्पीच नहीं है, तो क्या वो उस हेट स्पीच का बदला नहीं इससे मान लिया जाए?
अगर ये जो मजदूरी के साथ हुआ। अगर अगर स्टालिन ने गलत करा तो उसके पिता ने उसको रोका नहीं, उसकी पार्टी ने उल्टे बढ़ के वायरस एचआईवी पता नहीं क्या क्या बोला। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर भाजपा के किसी नेता ने इस प्रकार की बात करी तो उसके ऊपर हमने तो एक्शन लिया, किसी और ने ये घमंडिया गठबंधन जो है और उनके चाटुकार बोलने में पहले बातें जान लीजिए, ऐसे ही बोले जा रहे हैं भाई साहब। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं होता तो अब तक सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गया रहता। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इसीलिए दिया गया है संविधान में कि संसद में जो एमपी जाएंगे वो मर्यादित रहेंगे, वो मर्यादा का पालन करेंगे। अगर इस तरह से खुलेआम बोल रहे हैं कैमरे पे और चार जने पीछे पीछे उनको हाँ कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है। और आप जो कह रहे हैं कि कोर्ट क्या, कोर्ट अब तक लोग गए होते, ये प्रिविलेज के वजह से नहीं जाते हैं। तो प्रिविलेज का मतलब ये नहीं होता है कि आप तो देश में दंगा फैलाने में पार्लियामेंट का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली विधानसभा में तब तो आप चुप रहते हैं। हाँ जी, तो दिल्ली विधानसभा भी गलत करती है लेकिन पार्लियामेंट में तो नए पार्लियामेंट में जहाँ देश की दिक्कत होती है, हमारे बोलने में क्या दिक्कत होगी? गलत को गलत बोलने में हमको सर रॉन्ग का रॉन्ग कभी राइट नहीं हो सकता ना सर। अब वही है, अब वो जो है, अगर हम ये कह रहे हैं कि वो जो बयान था वो इतना अगर इतना निंदनीय था कि दोबारा कहा ही नहीं जा सकता, संसद से हटाना पड़ता है। आज उदय भान ने कहा ठीक है वो अमर्यादित था, लेकिन वो भी ठीक नहीं था किसी भी तरीके से। बैड लाइट अब ये तो नहीं होता कि कंपैरिजन शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया।